दोस्तों नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए एक और कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है दर्पण की सीख। यह एक मॉरल स्टोरी है। दर्पण की सीख मॉरल स्टोरी एक शिक्षाप्रद एवं रोचक हिंदी कहानी है जो न केवल हमारा मनोरंजन करती है बल्कि हमारे व्यक्तित्व का विकास भी करती है। हमारे व्यवहार की छोटी छोटी कमियां हमारे व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करती हैं यह इस कहानी में के माध्यम से समझाया जा सकता है। यह बात पूर्व सिद्ध है कि कहानी के माध्यम से प्रदान किया गया ज्ञान या शिक्षा मानव मस्तिष्क आसानी से ग्रहण कर लेता है। दर्पण की सीख नामक इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। तो चलिए समय को देर ना करते हुए शुरू करते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है, कौशल देश में स्वर्ण ऋषि का गुरुकुल था। अपनी उच्च कोटि की शिक्षा के लिए यह गुरुकुल पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था, जिसमें पढ़ने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। इन्हीं विद्यार्थियों में नकुल नाम का एक लड़का था। वह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और लगन के लिए पूरे गुरुकुल में प्रसिद्ध था। स्वर्ण ऋषि भी उसे बहुत ही पसंद करते थे। शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद जब सभी विद्यार्थी घर जाने लगे तो गुरुजी ने नकुल को अपने पास बुलाया। उन्होंने नकुल को एक दिव्य दर्पण दिया। दर्पण की विशेषता बताते हुए उन्होंने कहा, नकुल यह कोई साधारण दर्पण नहीं है। इस दर्पण के द्वारा तुम किसी भी मनुष्य के अवगुणों को देख सकते हो, लेकिन इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना। नकुल दर्पण की तुरंत जांच करना चाहता था। उसने दर्पण का मुंह गुरुजी की ओर किया तो यह देखकर उसे बड़ा दुख हुआ कि गुरुजी के मन में क्रोध, मोह और आलस्य आदि कई अवगुण हैं। वह चुपचाप दर्पण लेकर घर चलाया। घर आकर उसने दर्पण का प्रयोग अपने मित्रों पर किया। वे भी कई अवगुणों से ग्रस्त थे। अब तो नकुल एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में जुट गया जिसमें कोई अवगुण न हो। हर मिलने वाले की वह दर्पण के द्वारा जांच करने लगा। यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता, सगे संबंधियों आदि सब की जांच कर ली, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जिसमें कोई अवगुण न हो। उसका मन खिन्न हो गया। एक दिन वह वापस गुरुकुल पहुंचा और गुरुजी को दर्पण वापस करते हुए बोला, गुरुजी यह दर्पण वापस ले लीजिए, इसने मेरे मन को संताप से भर दिया है। मैंने इसके द्वारा बहुत से लोगों की जांच की, लेकिन मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसमें कोई अवगुण न हो, इसलिए मैं अब इसे अपने पास नहीं रखना चाहता। गुरुजी दर्पण लेकर उसका मुंह नकुल की ओर किया। नकुल को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसका मन भी कई तरह के अवगुणों से भरा है जिनका उसे ज्ञान ही नहीं था। वह तो यही समझता था कि उसका व्यक्तित्व अवगुणों से रहित है। नकुल को आश्चर्यचकित देखकर गुरुजी ने कहा, नकुल अवगुण हर व्यक्ति में होते हैं। अवगुणों का होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन अवगुणों को दूर करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अवगुण सफलता की राह में बाधक होते हैं। यह दर्पण मैंने तुम्हें अपने दोष देखने के लिए दिया था, न कि दूसरों के दोष देखने के लिए, जिससे तुम उन्हें दूर कर जीवन में सफलता प्राप्त कर सको। नकुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुरुजी से क्षमा मांगे और अपने अवगुणों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होने का संकल्प लिया। दोस्तों कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर अवगुण या बुराई देखनी है तो हमें सबसे पहले अपने अंदर देखना चाहिए। अपनी कमियां दूर करने से हमारा व्यक्तित्व तो सुधरेगा। दूसरे की बुराइयों को जानकर हमें कोई लाभ नहीं होगा। कबीरदास जी ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो घर देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। दोस्तों अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। कहानी को सुनने एवं देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।